नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल नी अंदर। धोरण 9 नी अंदर अलग अलग आपणे स्वाध्यायपोथीने लगता प्रश्नों जवाबो जोता आवीए छीए, जेमां गुजराती विषयनी अंदर त्रीजो पाठ आवे छे पछी सांभळ्यो जी बोलिया, ए कड़ु आख्यान खंड जे प्रेमानंदे आपेलू छे। आ अलग अलग प्रश्नों जवाबों तमने आवनारी परीक्षा में उपयोगी थशे, आ स्वाध्यायपोथी ने लगता है। साथ बीजा घणा बधा चेनल अंदर मुकाई पण गया छे, ए न जोईला होय तो ए पण तमे जोई लेजो, आवनारी परीक्षा में ए पण तमने उपयोगी थशे। ए जोवा होय तो ऊपर विडियो सेक्शन नी अंदर जोवा मळे, एनी बाजू में प्लेलिस्ट छे, प्लेलिस्ट में जाशो ने नीचे तमने स्टैंडर्ड 9th स्वाध्यायपोथी नुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे। एना सिवाय बीजा घणा बधा बीजा विडियोस छे तो ए न जोई लो तो ए पण तमे जोई लेजो, बराबर। प्रश्नोत्तरनी वात करीए, पहला प्रश्न है नीचेना प्रश्नना सविस्तार उत्तर लखो। श्री कृष्ण सुदामा नो विद्यार्थी जीवन तमारा शब्दों में लखो। तमने जवाब है श्री कृष्ण ने सुदामा सांदीपनी ऋषि आश्रम में साथ भण्या हता। तेओ बे मास साथ रह्या हता। बन्ने वच्चे नानपणथी ज प्रेम हतो। तेओ साथ भिक्षा मांगवा जता, साथ जमता अने घासनी बनावेली एक ज पथारी में साथ सूता। तेओ एक बीजा ने पोतपोताना सुख दुखनी वातो पण करता। सवारे उठीने वेदनी धुन करता। गुराणीए जंगलमांथी लाकड़ा लावानुं कह्युं त्यारे पण तेओ बने साथे जंगलमां गया हता। तेमणे वृक्षना थळ फाड़ीने लाकड़ा कापिया, ए लाकड़ाना त्रण भाग करिया अने तेने दोरडाथी बांधी त्रण भारा तैयार कर्या हता। अचानक मुसळधार वरसाद वरसवा लाग्यो, त्यारे पण बन्ने एकबीजानो साथ छोड्यो न हतो। श्री कृष्णे सुदामा पासे ए वातनो एकरार कर्यो के सुदामाए ज एने विद्या शीखवी हती, तो सुदामाए विनम्र भावे एने कृष्णनी महानता गणी। आम श्री कृष्ण ने सुदामानो विद्यार्थी जीवन स्नेह अने गाढ़ मित्र मैत्रीना संबंधोथी वणायेलू हतुं। बीजो प्रश्न आवे छे नीचेना प्रश्नना बे त्रण वाक्यमां उत्तर लखो। पहेलो छे सांदीपनी ऋषिना आश्रममां श्रीकृष्ण अने सुदामानी दैनिक क्रियाओ कई कई हती। एनो जवाब छे सांदीपनी ऋषिना आश्रममां श्रीकृष्ण अने सुदामानी दैनिक क्रियाओ। तेओ बंने साथे भिक्षा मांगवा जता, श्रीकृष्ण तेमना भाई बलराम अने सुदामा साथे मळीने जमता, घासनी एक ज पथारी पर साथे सूता अने एकबीजाने सुख दुखनी वातो करता। तेओ वहेली सवारे वेदनी धून करता। बीजो प्रश्न छे श्रीकृष्ण अने सुदामाए जंगलमां जई लाकड़ा लावानुं काम कई रीते कर्युं? एनो जवाब छे श्रीकृष्ण ने सुदामा खभे कुहाड़ो मूकीने जंगलमां गया। जंगलमां घणे दूर सुधी जईने वृक्षनुं मोटुं थळ फाड्युं, एना टुकड़ा कर्या, एना त्रण भाग करी एने दोरडाथी बांधीने त्रण भारा तैयार कर्या। त्रीजो प्रश्न छे जंगलमां अचानक सी आपत्ति आवी? एनो जवाब छे जंगलमां अचानक मुसळधार वरसाद वरसवा लाग्यो, तेमना शरीर ठंडी थी ध्रुजवा लाग्या, नदियों में पूर आव्या, अंधकार में आगळ जवानो कोई रस्तो देखायो नहीं अने तेओ जंगल में अटवाई गया। चौथो प्रश्न छे सांदीपनी ऋषिनी चिंता तमारा शब्दों में व्यक्त करो। नो जवाब छे सांदीपनी ऋषि गामडेथी पाछा फर्या त्यारे तेमने जाण थई के गोराणीए कृष्ण अने सुदामाने जंगल में लाकड़ा लेवा मोकल्या छे। ते समये मुसळधार वरसाद वरसतो हतो, आ बने क्या अटवाया हशे एनी तेमने चिंता थई। पहला तो तेमने गोराणी पर गुस्सो कर्यो, पण पछी तरत ज तेओ वरसता वरसाद में कृष्ण अने सुदामा ने शोधवा निकळ्या। जंगल में टाढमां ध्रुजता कृष्ण सुदामा ने जोई तेमने आलिंगन में लीधा अने बने ने आश्रम में लई आव्या। पांचो प्रश्न छे श्रीकृष्ण अने बलराम वच्चे कई स्पर्धा थई हती? नो जवाब छे श्रीकृष्ण अने बलराम वच्चे कोण पहेला वृक्षनुं थळ फाड़े, कोण पहेला एमांथी लाकड़ा कापे अने कोण पहेला ए बाबते स्पर्धा थई हती। त्रीजो प्रश्न छे नीचेना प्रश्नना एक वाक्यमां उत्तर लखो, जेमां पहेलो छे पछे सांभळ्यो जी बोलिया काव्यना कविनुं नाम लखो। नो जवाब छे पछे सांभळ्यो जी बोलिया काव्यना कवि प्रेमानंद छे। बीजो प्रश्न छे पछे सांभळ्यो जी बोलिया काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो। नो जवाब छे पछे सांभळ्यो जी बोलिया ए काव्यनो साहित्य प्रकार आख्यान खंड छे। त्रीजो प्रश्न छे प्रेमानंदना कोई पण बे आख्यानना नाम जणावो।
जवाब है प्रेमानंद आख्यानों में सुदामा चरित्र, कुंवरबाई मामेरू ने नड़ाख्यान है। चौथो प्रश्न है गोराणीए श्रीकृष्ण सुदामा ने क्यूँ काम सौंपियों? जवाब है गोराणीए श्रीकृष्ण सुदामा ने लाकड़ा एट कौश में बढ़तण लावानु काम सौंपियों। पांचमो प्रश्न है पछे सामळियो जी बोलिया आखू काव्य कोना संवाद रूपे आगळ वधे छे? जवाब है पछे सामळियो जी बोलिया आखू काव्य श्रीकृष्ण ने सुदामा वच्चेना संवाद रूपे आगळ वधे छे। छठो प्रश्न है सांदीपनी ऋषि ने पोताना विद्यार्थीओ माटे खूब ज स्नेह हतो तेवी प्रतीति क्या वाक्य में थाय छे? जवाब है पछी गुरुजी निसरिया कह्युं स्त्री ने ते कीधो केर अपना कदिया साथे चापिया। वाक्यों में सांदीपनी ऋषि ने पोताना विद्यार्थीओ माटे खूब ज स्नेह हतो तेवी प्रतीति थाय छे। त्यार पछी आवे व्याकरण लक्षी प्रश्नों जवाबों। पहला प्रश्न है नीचे आपेला शब्दों की जोड़ी सुधारी लखवानी छे। एमां सांदीपनी पूछे सांदीपनी में दी दीर्घ ने नी छे रस्व है सांदीपनी मूसलाधार जगह मूसलधार एम सणय वालों मूसलधार सोम दृष्टि में स ससला सोम दृष्टि काष्ट में काष्ट ठ आवशे ठड़िया ठ काष्ट। बीजो प्रश्न है नीचे आपेला शब्दों ध्वनि छूटा पाड़ो तो में सांभियों जी है तो स खोड़ो वता वता म खोड़ो वता अ वता अड़ खोड़ो वता ई वता य खोड़ो वता ओ वता ज खोड़ो वता ई। सांदीपनी है तो में स खोड़ो वता आम वता द खोड़ो वता ई वता प खोड़ो वता अ वता न खोड़ो वता ई। रणछोड़ है तो र खोड़ो वता अ वता अण खोड़ो वता अ वता छ खोड़ो वता ओ वता ड खोड़ो वता अ। दारिद्र है तो द खोड़ो वता आ वता र खोड़ो वता ई वता द खोड़ो वता र खोड़ो वता अ। तीजो प्रश्न है नीचेना वाक्यों में रेखांकित संज्ञा प्रकार जनावो। पेलू है हाजी सांदीपनी ऋषि ने घेर मने केम विसरे रे तेना सांदीपनी शू कई संज्ञा थी तो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। बीजू है टाढ़े ध्रुजे अपनी देह मने केम विसरे रे तो टाढ़े शू तो कि भाववाचक संज्ञा है। तीजू है त्रण भारा बांधिया दौड़े तने सांभरे रे तो भारा शू तो कि समूहवाचक संज्ञा है। चौथो प्रश्न है नीचेना वाक्यों में विशेषण शोधी प्रकार लखो। पहलू है महाराज बाज नीज दासनी वधारो छो श्रीहरि तो नीज शू तो कि सार्वनामिक विशेषण। बीजू है वाद वध्यो बेव बाव बांधवे तने सांभरे रे तो बेव शू संख्यावाचक विशेषण। तीजू है शीतल शरीर थाये घणु तने सांभरे रे तो शीतल शू गुणवाचक विशेषण है। पछे आवे प्रश्न नंबर पांच नीचेना शब्दों साचा समान शब्दों लखो। पेलू नेह नेह नु थाय स्नेह। बीजू भिक्षा एनु थाय भिक। तीजू है भ्रात एनु थाय भाई। चौथु है काष्ट काष्ट एटलू थाय लाकड़ा। पांचमु है लाज एनु थाय शरम। छठू है दारिद्र एनु थाय गरीब भाई। सातमु है दास एनु थाय चाकर। आठमु है सोम एनु थाय चंद्र। छठो प्रश्न है नीचे आपेला शब्दों ने धातु प्रत्ये लगावीने नवो शब्द बनावो। पेलू है जागवू ने रण प्रत्ये लगावी नवो शब्द बनाव तो थाशे जागरण। बीजू शोधवू ने अक प्रत्ये लगावी नवो शब्द बनाव तो थाशे शोधक। प्रश्न नंबर सात है नीचेना वाक्यों में सर्वनाम शोधो। पेलू है आपणा सूता एक साथ रे तने सांभरे रे तो आपणा ने तने शू सर्वनाम है। बीजू है तमो पास अमो विद्या शीखता तने सांभरे रे तो तमो अमो ने तने ए वाक्य में सर्वनाम थे। आठमो प्रश्न है नीचेना रूढ़ि प्रयोग ने साचा अर्थ शोधी लखो। पेलू है हृदय साथ चांपवू एनो अर्थ है प्रेम थी भेटवू। बीजू थे तेड़ी लाव अर्थ है बोलावी लाव। नवमो प्रश्न है शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। पेलू है गोरना पत्नी एने कहवाय गोराणी। बीजू है जाडी धारे वरसत तो वरसाद एने कहवाय मुसळधार। दसमो प्रश्न है समास ओळखाओ तो समास जोता जाइए सुख दुख नु थाय द्वंद्व। रणछोड़ छे एनो थाशे उपपद समास। मुसळधार नु थाशे कर्मधार्य। महाराज कर्मधार्य ने सोमदृष्टि कर्मधार्य समास। 11मो प्रश्न नीचे आपेला तळपदा शब्दना शिष्ट रूप आपो तो बधा तळपदा शब्दना शिष्ट रूप जोता जाइए। पछे नु थाय पछी। मुन नु थाय मुनि। हृदयु नु थाय हृदय। दहाड़ो नु थाय दिवस। पास नु थाय पासे। हूने नु थाय मने। 12मो प्रश्न नीचे आपेला शब्दों लिंग ओळखाओ तो लिंग जोता जाइए।
भिक्षा थाय स्त्रीलिंग, कुहाड़ो थाय पुलिंग, खोड़ थाय नपुंसकलिंग, दास थाय पुलिंग, धूननु थाय स्त्रीलिंग, पूरनु थाय नपुंसकलिंग। 13मो प्रश्न, नीचेना वाक्यना काळ ओळखाओ। तो काळ जोता जाइए, पहलू छे खांधे कुहाड़ा धरिया एने कहेवाय भूतकाळ। बीजू छे नदीए पूर आव्या घणा ए थशे काळ भूतकाळ। 14मो प्रश्न, नीचे आपेला शब्दोमांथी पूर्व प्रत्यय ने पर प्रत्यय जणावो। तो पहलू छे सामळियो जी, तो सामळियो होता जी, जी छे पर प्रत्यय छे। बीजू छे नानपण, तो नानू होता पण, पर छे ए पर प्रत्यय थशे पाछळनो। ત્રીજું છે ગોરાણી, તો ગોર વત્તા આણી પર પ્રત્યય થશે। ચોથું છે શીતળ, શીતળમાં શીત વત્તા અડ પર પ્રત્યય થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા અલગ અલગ આ સ્વાધ્યાયપોથીને લગતા ત્રીજા આખ્યાનખંડના લગતા પ્રશ્નોના જવાબો, જેમાં નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ આપણે જોયા, વ્યાકરણ લગતા પ્રશ્ન જવાબ પણ જોયા, આવનારી પરીક્ષામાંથી ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબ પૂછાઈ પણ શકે। तो वीडियो गम्य हो तो लाइक करजो, तमारा मित्रों पर वीडियो शेयर करजो, साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देंजो, जेथी करीने आवा जेटला वीडियोस मुकाईने नोटिफिकेशन तमने जोवा मळे। तो अलग अलग वीडियोस छे, जोता रहेजो, ज्ञानमां वधारो करता रहेजो, फरी पाछा नवा वीडियो साथे मळीए। त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केर।